ऑलराइट गाइस, यार फिलहाल तुम्हारा भाई है लेवल वन का सबसे छोटा वाला स्पाइडरमैन, जो कि असल में ये पिग स्पाइडरमैन। अब मेरे को अपने आप को अपग्रेड करना लेवल 1000 के सबसे बिगेस्ट स्पाइडरमैन के अंदर, उसके लिए मेरे को चाहिए होंगे एक्सपी कॉइन। और गाइस यार वो एक्सपी कॉइन मेरे को असल में बताऊं कहां से मिलने वाले, ये देखो ये है असल में एक्सपी माउंटेन। इसके अंदर से बहुत सारे एक्सपी कॉइन्स मुझे मिल सकते हैं जिससे मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूं। तो चलो गाइस यार लेते हैं एक्सपी कॉइन, अपग्रेड करते हैं अपने आप को। ये कौन आया भाई साहब, ये कौन है यार? यो स्पाइडरमैन, कैसे हो बड़ी? अरे वैनम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है मैं एकदम सही वक्त पे आया हूँ, मुझे भी एक्सपी कॉइन्स चाहिए थे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। नहीं, मैं तुमसे पहले आया हूँ एक्सपी कॉइन्स लेने के लिए, तो अपने आप को अपग्रेड मैं करूँगा, ठीक है ना? हाँ अच्छी बात है, पर सबसे पहले मुझे ये देखने आखिर इस एक्सपी माउंटेन के अंदर कितने एक्सपी कॉइन है, उसके लिए मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। बूम, इस एक्सपी माउंटेन के अंदर तो बहुत सारे एक्सपी कॉइन्स है, यम्मी। ओए वैनम, ये तू गलत कर रहा है, तू सारे के सारे एक्सपी कॉइन नहीं ले सकता। अच्छा तो मतलब तुम मेरे को रोकोगे छोटे पिगी स्पाइडरमैन? तेरे को लगता है मेरे को बताना पड़ेगा? रुक अभी बताता हूँ मैं तेरे को। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें ही ठिकाने लगाता हूँ। अरे क्या कर रहा है, छोड़ दे मुझे। हाँ तो चल घूम के आ जाके अब जल्दी से, ये ले। चलो अब मैं एक्सपी कॉइन्स लेता हूँ, डिलीशियस एक्सपी कॉइन, लेट्स अपग्रेड। मैं तो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया, मेरा लेवल तो डायरेक्ट 900 हो चुका है। मैं तो कितना बिगर और कितना ज्यादा बड़ा खतरनाक वाला वैनम अपग्रेड हो गया हूँ। अब मैं लॉस सैंटोस को तबाह कर दूंगा। वो गाइस, अबे भाई साहब कितनी दूर फेंक के मारा है भाई, क्योंकि यार मैं तो लेवल 1 का स्पाइडरमैन था यार, पर यार वो काफी अच्छे लेवल का वैनम था और उसने मेरे को कितनी दूर फेंक के मारा है यार। और यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, वैनम कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गाइस यार मेरे को अपने आप को अपग्रेड करना होगा, पर उसके लिए मेरे को एक्सपी कॉइंस चाहिए होगी, क्योंकि यार मैं अपग्रेड नहीं हुआ तो यार वैनम पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर देगा। ओ शिट यार, उसके हाथ गलत लग गए यार एक्सपी कॉइन, अब मेरे को कहाँ मिलेगा यार एक्सपी कॉइन? ओए एक सेकेंड, ये वही चीज है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ यहाँ पर ये देखो, ये तो एक एक्सपी कॉइन है यार जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। शायद लगता है इस होटल के मालिक का हो सकता है और मैं डायरेक्ट इसके होटल में आ चुका हूँ और होटल फिलहाल बंद है क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं। चलो यार यही मौका है मेरे पास अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो चलो यार अपग्रेड होते हैं, लेट्स अपग्रेड। गाइस ये देखो चैगट और न्यूसिक अपग्रेड, भाई क्या लग रहा है तुम्हारा भाई, और अभी मेरा लेवल हो चुका है 20। हो भाई साहब देख रहे हो यार धीरे धीरे हम लोग काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ओके गाइस यार ये तो रेड हल्क है, और एक सेकेंड रेड हल्क के पास तो एक्सपी कॉइन है जो मेरे को चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। हे रेड हल्क, ये एक्सपी कॉइन तुम मुझे दे दो ना। ओए लड़के, अगर तुझे ये एक्सपी कॉइन चाहिए तो तुझे मेरे चीता से लड़ना होगा, ये मेरा लाल चीता, अगर तू इस मेरे लाल चीते को हरा देता एक बॉक्सिंग मैच में तो मैं तेरे को ये कॉइन दे दूंगा। ओके ये मेरे को काफी इजी लग रहा है यार, क्योंकि शायद मेरा लेवल उससे तो ज्यादा है जो अंदर खड़ा है रिंग के अंदर, ठीक है? तो मेरे को लगता है मैं उसको इजीली हरा सकता हूं, और ये एक्सपी कॉइन तुम्हारा भाई का होगा 100%। चलो यार चलते हैं तो रिंग के अंदर, आई एम रेडी। ये तो रेडी है ना? अरे लोडे हमेशा रेडी है वो तो। ओके तो गाइस चलो अब हमारे इसके साथ बॉक्सिंग मैच होगी, और देख लियो भाई मैं कई तरह थोबड़ा ना बिगाड़ दूं क्योंकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। ओके कम ऑन, अब मारेगा भी मेरे हिसाब से पहली पंच मेरे को ही मारनी चाहिए। ओके बूम, वाओ ये तो काफी इजी था, एक ही पंच में इसको ढेर कर दिया मैंने। वो वापस खड़ा हो गया, कोई बात नहीं एक और पंच मारूंगा मैं, ये ले इस बार भी गया। वाह वाह ये तो काफी इजी है। तेरी एस्टेसी। ओ, चलो चलो चलो, मतलब दम है बंदे में। ओके अब बताता तेरे को मैं। हाँ ठीक है। ओ भाई गाइस यार मेरे को ऐसा क्यों लगता है ये कोई हथियार यूज कर रहा है छुपा के। रुक, अब मेरी बारी, बहुत हो गया अब मेरी बारी। ये अरे रुक जा, इस तरफ मारना है, ये ले और ये ले, तेरी टांग पे मारता हूँ और इस पर मुंह पे मारूंगा और ये टांग पे फिर मारा। ओ भाई साहब पावरफुल तो, ओए इसकी ये ले। ओ भाई साहब गया कर दिया ढेर, अब वापस खड़ा मत हो जाइयो। हे रेड हल्क येलो, तुम्हारा प्लेयर तो ढेर हो गया। ओए लोंडे इतनी जल्दी थोड़ी है, अभी तो टाइम लगेगा, ये तो फर्स्ट राउंड था, अभी तो सेकंड राउंड भी होगा, सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ। ओके सेकंड राउंड में क्या हो गया, जब मैं इसको फर्स्ट राउंड में भी हरा सकता हूँ तो इसको सेकंड राउंड में तो जरूर हरा दूंगा। ओ व्हाट द हेक, और ये अब तीन तीन क्यों हो गए हैं? यही तो है सेकंड राउंड लोंडे। ओके चलो गाइस अब तीनों की धुलाई लगानी हमें, और इस बार मैं थोड़ा घुमा के और तरीके से मारूंगा। ओए कहाँ जा रहे हो? ये ले। ओ पीछे से मार रहे हो, मतलब मैं एक बार हल्क से क्या बात करने चला गया, तुम लोग मेरे को मारोगे। ओके अब मेरी बारी है। ओ ये ले, वो भाई साहब। हाँ तो ये शायद अब मुझसे डर रहे हैं। ये ले, वो कमर में मारा इसके भी, और ये भाई लात।
और ये भाई साहब इसकी तो जांग तोड़ दी शायद मैंने। हाँ हेलो, तुम लोग शायद मुझसे फाइट करना चाह रहे थे। क्या गंदा मारा है भाई इन लोगों को मैंने। हाँ तो भाई हल्क जैसा तूने बोला था मैंने तो इनकी भी बैंड बजा दी इजी पीजी। अरे लोंडे तुझे क्या लगता है मैं इतनी इजीली तेरे को एक्सपी कॉइन दे दूंगा? अभी थर्ड राउंड भी बच रहा है, थर्ड राउंड के अगर तू हरा देता है मेरे सभी को तो ही तू जीतेगा। क्या अभी कोई थर्ड राउंड भी बच रहा है क्या? चलो कोई नहीं, हम थर्ड राउंड को भी देख लेंगे। ओके चलो। ओए यहाँ ये चल क्या रहा है, इतने सारे लोगों से मैं एक साथ फाइट करूंगा क्या? अबे ये तो और भी ज्यादा बढ़ गए, अभी तो कम थे, और मत बढ़ाना प्लीज। अरे थर्ड राउंड सबसे हार्ड होगा लोंडे। ओके चलो इतने राउंड किए तो इसको भी करेंगे। ओ ये ले, वो एक साथ इतने सारे लोग मारेंगे। तो गाइस अब मेरी बारी, और रुक और रुक रुक मारने का मौका दे। वो 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 ये तो काफी कूल था। अरे चलो चलो इस तरफ भी। कूल 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 भाई। अरे रुक जा, उछल उछल के मारूंगा। वो मैं रिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं, रिंग से बाहर आ गए तो मैं तो अबे तेरी हस्ते सी करंट लगा रहे हैं। अबे भक्का रहे हो, अबे ये तो डर डर के भक्के। अरे रुको यार, जिस जिसको अबे ये करंट क्यों लगा रहे हैं मेरे को यार, ये तो गन्स यूज कर रहे हैं, ये तो चीटिंग कर रहे हैं यार। और इतने सारे भक्के अब हैंड साइड में तेरी हस्ते सी भाई, इसकी ऐसी थी मेरे को सबसे पहले उस करंट मार रहे हैं जो मेरे को उसको रोकना पड़ेगा। अबे हल्की है, चीटिंग है। ए, चीटिंग नहीं है, यही गेम है। अबे भाई साहब ये तो जीतने के लिए चीटिंग कर रहा है यार, मेरे ऊपर करंट पे करंट मारे जा रहा है। अबे रुक तो जा, मेरे को खड़ा होने का मौका तो दे भूतनी के। ओके शायद इस बार तो मेरी बारी है, ये ले तुम्हें तो बीच में से फाड़ूंगा। अबे और भी आ गए, आजा 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 तू भी आजा। अबे मारा क्यों नहीं, ये गया। आजा आजा एक एक करके तुम सारे आ जाओ, सबको फाड़ूंगा मैं। और ये ले बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ले, यो भाई मेरा एक्सपी बढ़ रहा है, इनके बीच में जाके मारता हूँ सीधा एक बार में। टैं, और तू भी ले। वो ये ले, तुम लोग चीटिंग कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आजा जितने भेज लो उतने भेज ले, सबको फाड़ दूंगा मैं। और तू भी ले, अबे मरा क्यों नहीं, ये भी गया भाई बीच में से फाड़ रहा है तुम्हारा भाई। हाँ हल्क और कोई बच रहा है? एक ये बच रहा है, इसकी ऐसी तैसी। रुक 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 रुक, मेरे को उसको भी तो बताना जो ऊपर बंदूक चला रहा है। रुक जा भाई मैं तेरे पास भी आ रहा हूँ। ओए थोड़ा बाहर निकल गया, आ रहा हूँ। रुक रुक रुक, तेरे को सबसे पहले बताना है। अबे क्या यार करंट मार दिया, इसकी ऐसी तैसी। ये करंट वाला आदमी दिमाग खराब कर रहा है यार, जब से मेरा लगता है इसकी गोली खत्म हो गई। अब आ जा, रुक जा अंदर आ रहा हूँ रिंग के अंदर, और तू लास्ट बचा है। और तू भी गया, सबको हरा दिया भाई। कितने सारे आदमी आ गए थे, मतलब जो भी कुछ था कितने सारे आ गए, तो पता नहीं कौन से लेवल के थे। अरे लोंडो तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, कूल ये तुम्हारा होता है, पर मैं हार कैसे गया? कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगा इससे भी खतरनाक चैलेंज लेके, मेरा एक्सपी कॉइन मुझसे छीन लिया। मैंने कोई छीना नहीं है यार, उसने चैलेंज दिया था और मैंने जीता, और वो भी इतना खतरनाक चैलेंज था यार कि भाई खतरनाक तरीके से जीता तुम्हारे भाई ने। ओके तो चलो गाइस यार, नाउ टाइम टू अपग्रेड, बस हमें इसे टच करना और हम लोग अपग्रेड होंगे। लेट्स कलेक्ट एक्सपी कॉइन। वो गाइस ये देखो अपना नया अपग्रेड। हां ये भी काफी कूल है यार, उसका लेवल भी देखो कितना ज्यादा है यार, मस्त मस्त है। ओ एक सेकंड, ये कौन है? ओ ये तो आयरन मैन है। हे आयरन मैन कैसे हो तुम? अरे मैं अच्छा हूँ, पर अगर तुम्हें चाहिए और भी ज्यादा एक्सपी कॉइंस तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। यहाँ देखो मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, पीछे मेरे बहुत सारे आयरन मैन ड्रोन्स है। उन आयरन मैन ड्रोन्स को हरा के अगर तुम यहाँ से ये कॉइंस ले सकते हो जिससे तुम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, ये है एक्सपी कॉइंस। पर उसके लिए तुम्हें इन ड्रोन्स को हराना पड़ेगा, क्या तुम कर पाओगे? हाँ वेल मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लेवल फिलहाल 100 हो चुका है और मेरे हिसाब से आयरन ड्रोन से ज्यादा मेरा लेवल 100 लेवल, ठीक है, तो मैं इनको इजीली हरा सकता हूं। तो यार उसके लिए मेरे को आप लोगों की मदद चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, जैसे यार 500 लाइक्स होंगे ना वैसे मेरे पास एक पावर आएगी, रिपल्सिव पावर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं 5 सेकंड देता हूं जल्दी सी, 1 2 3 4 5 लाइक करो यार जल्दी से, जिससे मेरे पास वो रिपल्सिव पावर्स आ जाए। ओके तो गाइस यार मेरी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी है, चलो अब ट्राई करते हैं इनको। ये बूम वू, ये भाई साहब बैम बूम बैम वू, ये और भाई वाला वापस खड़ा हो गया। आ जा तू भी खड़ा हो गया, चल 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 वापस, वो भी खड़ा हो गया भाई। काफी अच्छे मतलब यार काफी अच्छे लेवल से, मतलब इनके इनकी पावर कुछ ज्यादा ही है यार। नहीं 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 नहीं, मर जाओ मर जाओ मर जाओ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मैंने इन सभी के सभी आयरन ड्रोन्स को मार डाला है, अब इनकी बारी है। और तू भी निकल, और ये ले, और तू भी निकल, और ये भी। ओ चलो यार यहाँ पर जितने भी नीचे आयरन ड्रोन्स खड़े थे मैंने सबकी बैंड बजा दी, अब बारी आती है ऊपर वालों की। ओके तो चलो गाइस यार एक सुपर जंप लगाते हैं, उन लोगों के पास पहुंचा और ये लगाई मैंने सुपर जंप, और ये हम लोग आज के बिल्कुल ऊपर। अरे 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 भाई यार
थोड़ी जंप गलत हो गई, पर हम लोग फिर से लगाएंगे जिससे हम लोग एक बार में इनके पास पहुंच जाएंगे। और ये लगाया हमने सुपर जंप, ओए ये क्या सुपर जंप, और ये हम लोग आ गए बिल्कुल टॉप के ऊपर फाइनली। ओ यार ये मुझसे साइज में काफी ज्यादा बड़े, पर कोई बात नहीं। भाई साहब मेरी पावर्स का डर देख रहे हो इन लोगों में, क्या देख रहा है तू, निकलना यहाँ से, कितने दूर फेंका इसको। तो चलो गाइस यार यहाँ पर मेरे को मेरा पहला कॉइन मिल चुका है, इसको टच करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें मिल चुका हमारा पहला कॉइन, अब बारी आती है दूसरे कॉइन के पास जाने की, और यहाँ से मैं एक पावर यूज करना चाहूंगा जो मेरे पास काफी ज्यादा कूल है। ओके उसके लिए हमें ओ मैंने कॉइन उड़ा दिया यार, नहीं ये गलती कर दी मैंने कहीं पर कॉइन ही फेंक दिया यार। कहाँ गिरा है कॉइन, कहीं तो गिरेगा जाके, दिख रहा है क्या तुम्हें कहीं पर कॉइन? हेलो कॉइन, अबे यार कॉइन कहाँ चला गया, पता नहीं यार कॉइन कहाँ चला गया, पर उसको ढूंढना पड़ेगा। ओके इसकी बारी अब, आ जा विडू, ये ले, वो ये भी काफी कूल था, अब इसकी बारी, आ जा इस तरफ से मारूंगा इसको मैं, इस वाले को। ओ भाई साहब ड्रोन्स की तो ऐसी तैसी कर दी, एक ड्रोन को भी नहीं छोड़ा मैंने, वेरी कूल। चलो गाइस यार इस वाले कॉइन को लेते हैं। ओके भाई साहब अपना कॉइन लेते जल्दी सी, लेट्स अपग्रेड। तो यार अभी तक मैं अपग्रेड नहीं हुआ हूँ क्योंकि मेरा एक कॉइन कहीं पर खो गया, क्योंकि मैंने इतनी तेज पंच मारा था जिससे वो कॉइन भी उड़ गया। अब मेरे को उस कॉइन को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पर चला गया होगा। ओके तो गाइस यार जो वो था ना, देखो वो रही हो जगह, वो बिल्डिंग जिसके ऊपर हम गए थे, यहाँ पर मेरे को बाकी कॉइन्स मिल रहे थे, तो मैंने वहां से पंच मारा था, तो पक्का जो हमारा कॉइन है ना वो यहाँ पर कहीं इस पानी के अंदर गिरा होगा, मतलब इस झील के अंदर। तो बस हमें बस इस झील के अंदर जाना है और उस कॉइन को ढूंढना है, इसलिए मैं डायरेक्ट जंप लगाऊंगा सीधे पानी के बीचों बीच। ओके तो यार जैसा मैंने सोचा था फाइनली मेरे को कॉइन भी मिल गया। तो चलो गाइस यार अब बारी आ चुकी है हमारी फिर से अपग्रेड होने की, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने आप को अपग्रेड करते हैं, लेट्स अपग्रेड। तो गाइस यार ये देखो ये अपना नया अपग्रेड, और इसका लेवल है 500 जो कि बहुत ज्यादा ओपी है यार। चलो यार अभी मेरे को 1000 लेवल तक अपग्रेड करना है, और उसके बाद मेरे को वैनम को भी तो रोकना है। ओए पाजी तुम सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले पंजाबी भांगड़ा रैंप चैलेंज में। अरे तो मैं आया हूँ पंजाब ते तुम लोगों के लिए लस्सी पी के, तो आज का ये रैंप चैलेंज मैं तुम्हें समझा दू करना क्या रहा। भाई तू उस तरफ के देख रहा है वो टूट गया हेलीकॉप्टर, हाँ अब बढ़िया है हेलीकॉप्टर में तो देख रहा है तू, हाँ तो तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले जो भी तुम्हें पसंद आए साइकिल लो, बाइसिकल लो या मोटरसाइकिल लो मुझे नहीं पता, उसके बाद तुम्हें यहाँ से सामने जाना ये खतरनाक वाला रैम चैलेंज करके। ये पंजाब से खरीदे मैंने बहुत महंगे, इसलिए ये पंजाबी नाम बोलूंगा मैं इनका, और उसके बाद तुम ऐसे भांगड़ा पाते पाते इधर आओगे, और उसके बाद इस ट्यूब में घुस जाओगे, और भांगड़े पाते पाते तुम आखिर में पहुंचोगे वहां, देखो वो री फिनिश लाइन जो कि बहुत दूर है, जीतने वाले को मिलेगी एक्सपी कॉइन, है ना बढ़िया बात। सबसे पहले मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर स्पाइडरमैन बनना है। अबे सोनिक, अबे तूने आखिर ये क्या नशे पाल लिए यार, तू पहले सोनिक था तो स्पाइडरमैन क्यों बनना चाहता है? हे मजा आएगा स्पाइडरमैन बनने में, फिर मैं भी जगह जगह पर जाले मारूंगा। हाँ वो तो ठीक है, पर तू ये साइकिल क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि मुझे मोटरसाइकिल नहीं आती चलानी, उसके गियर डालने बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए मैं साइकिल चला के जीतूंगा। ओके तो गाइस यार मतलब साइकिल इसने मंगाई थी? हाँ साइकिल मैंने ही मंगाई थी, और इससे भी बहुत इजी है जीतना, ये देखो। ओ भाई साहब मेरे को लगा था ये नहीं चढ़ पाएगा ऊपर। अरे वेरी क्रिसमस, क्रिसमस आने वाला है। अब अभी कहाँ रहा है क्रिसमस, अभी तो टाइम है 25 दिसंबर को है। हाँ तो दिसंबर आने वाला है ना, अभी कहाँ रहा है दिसंबर। अरे तू बस देखता था कि मैं कैसे देखता हूँ, ये आगे से क्यों उठ रही है? अबे पागल साइकिल तो उठेगी ना आगे से, हल्की होती है ना। अरे मैं भी स्टंटबाज हूँ, ये ले फुल स्पीड में। ओ भाई साहब यहाँ पर सोनिक काफी बढ़िया साइकिल चला रहा है यार, चाहे इस बाइक नहीं ले गया पर साइकिल भी काफी सही चला रहा है। अरे जीतूंगा, क्या तुम डर रहे हो मुझसे? अबे मैं क्यों डरूंगा, ये देखो। अरे ये क्या, ये टूटा क्यों नहीं? अरे मर गया मैं तो। अब हल्क की बारी है, अब हल्क जाएगा। हल्क मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही भाई, अब तेरे को कहाँ जरूरत आ गई, तू हल्क अच्छा तो है। हल्क को स्पाइडरमैन बनना है। क्यों? हल्क को चलने में मजा नहीं आता, इसलिए हल्क जाले मारेगा, जाले मार मार के हवा में उड़ेगा। अबे अगर तू स्पाइडरमैन बन भी जाता है तो तू जाले नहीं मार पाएगा। हल्क जाले क्यों नहीं मार पाएगा? अबे तू इतना भारी है यार, जाले नहीं टूट जाएंगे क्या?
हल्क को बड़ा स्पाइडरमैन बनना है इसलिए। अबे यार इसको कोई समझाओ, अगर ये स्पाइडरमैन बन गया तो लॉस सैंटोस को कौन बचाएगा? हल्क किसी को नहीं बचाएगा, हल्क बर्गर खाएगा। अबे यार हल्क मान जा यार, उस वैनम को मेरे को हराना है तो यार मेरे को बनने दो स्पाइडरमैन। हल्क नहीं मानेगा, हल्क जीतेगा। ओके गाइस यार, ओ भाई साहब ये क्या जिगा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हल्क पर आ गया, ये है क्या आखिर? हल्क ट्राई करेगा इसे तोड़ने का। अबे हाँ तोड़ दे। हाँ हल्क ट्राई करता है, ये तोड़ा, ये हल्क नहीं तोड़ पा रहा। हल्क अपनी मोटरसाइकिल से तोड़ने की कोशिश करेगा। छोड़ो, हल्क किसी की मदद नहीं करेगा। हल्क यहाँ पर जीतने आया है तो हल्क यहाँ से जीत के जाएगा। वो भाई साहब, भाई ये हल्क की क्या मस्त किस्मत है यार, नीचे गिरता गिरता बच गया, पता नहीं कहाँ पर टकराया पर बच गया। हल्क की किस्मत बहुत मस्त है हल्क की। हाँ ठीक है, अब यार इसको जल्दी इसको डिस्क्वालीफाई करो ना। हल्क जीतेगा। हाँ ठीक है, तू जीतेगा यार। ओए बच गया भाई, थोड़ा सा रह गया वरना भी नीचे ही चला जाता। ये किसकी पट्टी है? हल्क उड़ेगा। ओ भाई साहब, एक तो पता नहीं ये क्या यूज कर रहा है, इसकी बाइक काफी अच्छी तरह चल रही है। हल्क के दांत दिख गए 3 किलो। हैं? हल्क तेरे 3 किलो दांत है? हाँ हल्क के 3 किलो दांत है। ये बस हल्क ने तोड़ी थी। हल्क तूने क्यों तोड़ी थी ये बस सारी? हल्क को मजा आ रहा था, ये बर्गर इतना टाइट किस लिए है? इस बर्गर को साइड से हटाओ। कोई बात नहीं, हल्क हटा देगा। अब हल्क तूने अब कैसे हटा दिया? हल्क ने पानी गेरा अपना मुंह का उसके ऊपर, इसलिए वो हट गया। भाई इतना पानी गया तेरे मुंह के अंदर की बर्गर ही पिघल गया। हाँ हल्क के मुंह में बहुत ज्यादा पानी है। हल्क अब डिस्को बार पे आ गया। भाई साहब ये कैसा रैम चैलेंज है यार। हल्क सब कुछ तोड़ेगा, हल्क ऊपर जाता जाएगा। ये हल्क ने जंप लगाई, हे हे। अरे यार ये कैसे हो रहा है? अब हल्क इसके अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि जगह तो बहुत छोटी है। हल्क इसके अंदर जाएगा, हल्क जाएगा। ये क्या हो गया हल्क को? हल्क दिमाग लगाएगा, हल्क उस तरफ पार जाएगा। हल्क पूरी ताकत, हल्क आगे कैसे आया? भाई ये क्या गलिस्ता, हल्क आगे कैसे आ गया? बस अब हल्क को स्पीड पकड़नी है। ओए दिख रही है मेरे को कितनी स्पीड पकड़ रहा है तू। गाइस यार ये रैम चलन बहुत ज्यादा बड़ा है। ओए एक सेकंड, तेरी बाइक में से धुआं क्यों आ रहा है हल्क? हल्क की बाइक में से धुआं क्यों आ रहा है? मुझे क्यों पता, तेरी बाइक ना, तुझे पता होना चाहिए। यार मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी दीवार में सिर मार रहा हूँ हल्क के साथ इतनी बातें करके। हल्क को मजा आ रहा है तुमसे बात करने में, हल्क से बात करते रहो। हाँ ठीक है। ओ भाई सब ये तो और आगे। बस अब हल्क को इस साइड जाना है। हल्क की स्पीड बढ़ गई और हल्क ये चला कबूतर की तरह उड़ते हुए। भाई यार हल्क तो सेमी बहुत स्पीड से आगे बढ़ता ही जा रहा है। हल्क की बाइक की स्पीड कम हो गई पर हल्क पाद मार के इसे फुल स्पीड में भड़काएगा। ये देखो हल्क की स्पीड। भाई हल्क के साथ ये क्या हुआ, हल्क के साथ धोखा हो गया। हट जाओ पाद जी, अब मेरी बारी है। तो गाइस यार अब हमारी बारी है। तो गाइस यार मुझे पता है इस रैम चैलेंज में हमें क्या करना है, इसमें हमें फुल स्पीड में जाना है बिना कोई चीज देखे हुए, कंट्रोल ना करते हुए, क्योंकि जितना धीरे मैं बाइक चलाऊंगा मैं उतना ज्यादा बेकार खेलने वाला हूं इस रैम चैलेंज के अंदर। इसके अंदर स्पीड ही सब कुछ है तो मैं बिल्कुल धीरे बाइक नहीं चलाने वाला। तुम्हारा भाई फुल स्पीड में आगे से उठा देगा बाइक, तेज भगाएगा। ये देखो मैंने बोला ना, जितना धीरे हम यहाँ पर बाइक चलाएंगे उतना ही बेकार हम लोग परफॉर्म करेंगे। ये देखो भाई वो लोग कितनी धीरे बाइक चला रहे, तुम्हारा भाई कितनी ज्यादा तेज चला रहा है ना इजी। बस अब मेरे को ऐसी तेज बाइक भगानी है बिना स्लो करे बिल्कुल भी। और ये बूम बूम बूम। तो गाइस यार अब हम इन बॉल्स के बीच में जाना है बिल्कुल परफेक्टली। अगर थोड़ी सी गलती हुई तो मैं इस तरफ उस तरफ चला जाऊंगा। ओ बिल्कुल बढ़िया। ओए एक सेकंड, मैं वहां पर जाने की जगह यहां से सीधा भी तो जा सकता हूं, बस उसके लिए मेरे को थोड़ा सा पंप लेना है पीछे से। और गाइस यार ये लगा बिल्कुल परफेक्ट जंप। देखो भाई कितना बड़ा रैंप चैलेंज मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मेरे को यहां से अच्छी वाली जंप लगानी है आगे से मोटरसाइकिल उठा के। और ये बिल्कुल परफेक्ट, ये जंप भी हमने बिल्कुल सही तरीके से लगा ली है। ओ भाई मैं काफी ज्यादा आ गया हूँ हल्क से, मतलब आगे नहीं आया हूँ पर काफी स्पीड से हल्क से आगे जा रहा हूँ। आ जाओ कोई बात नहीं, आगे हम लोग पहुंचेंगे जैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके यहाँ पर भी आगे डिस्को नीचे है मेरे। और ये लगाई जंप और ये भी बिल्कुल परफेक्ट। ओके तो गाइस यार मेरे को भी यहाँ पर ग्लिच करना पड़ेगा क्योंकि यार मेरी हाइट इतनी ज्यादा, मैं इसके अंदर जा ही नहीं सकता। तो क्या हो रहा है ये? अबे ये देखो मैं इसके ऊपर आ गया और हल्क सामने चला गया था। कोई बात नहीं हम ऐसे चल लेंगे। अबे यार मैं कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कहीं मेरी टांट ना भिड़ जाए ऊपर बॉल के अंदर, बॉल मेरे ऊपर गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इजी धीरे धीरे, हमें कोई ज्यादा जल्दी भी नहीं है। यहाँ पर अगर मैंने गलती की तो बैंड बच जाएगी। अब यहाँ से सामने जाना है और ये भी परफेक्ट। ओ भाई अब यहाँ से हमें जंप लेनी है, स्पीड धीरे नहीं करनी है। नहीं स्पीड धीरे करनी है, ज्यादा तेज करनी पता नहीं। और ये हम लोग चले, ये पावर लगा के, वो ये लगाई हम लोग जंप, क्या हम लोग पहुंच पाएंगे? और ये सीधा ट्यूब में, भाई साहब ब्रेक लगा लिए सही वक्त पे, वरना नीचे जाता पीछे लेना पड़ेगा वापिस घुमाओ। और उसके बाद यहाँ से हमें लेनी है जंप तेज वाली। और ये लगाई हमने जंप और ये पहुंच जाऊंगा क्या मैं? पहुंच गया, नाइस। चलो यार
अबे यहाँ पर और बॉल्स है यार, एक काम करता हूँ मैं बॉल्स को टच ही नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर बॉल्स गलती से हिली तो इनके साथ मैं नीचे जा सकता हूँ, इसलिए हम लोग साइड साइड से लिख लेंगे। अबे इस वाली बॉल को तो हटाना ही पड़ेगा, एक सेकंड, ओ ये हटा दी तो गाइस यार यहाँ पर हमने ये वाली बॉल्स हटा दी। बर्गर, अबे बर्गर को नहीं खाना मेरे को, और ये बर्गर से भी हम लोग आगे आगे, नाइस। और यहाँ से अब लेनी हमें जंप, अबे भाई पत्थर की तरह चीजें रखी हुई है, बिल्कुल हिली नहीं रही है सामने से। इन सभी चीजों से बच के ये आ गए हम साइड से, रोलिंग बॉल्स आ गए। भाई अभी कितनी बड़ी गलती कर देता तुम्हारा भाई, मैंने इतनी स्पीड से बाइक भगा रखी थी, इस लाल दीवार के ऊपर अगर थोड़ा सा और साइड हो जाता तो बस तुम्हारा भाई का गेम ओवर था यहीं पर ही। चलो चलो चलो, बच गए, थोड़ा सा पैर बढ़ गया था मेरा स्टॉप के आगे, बस रुक जा बस, नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, जल्दी निकलो। और ये निकाल लिया हमने, अब यहाँ पर हमें लेनी है बहुत ही बड़ी वाली जंप, और ये लगाई हमने जंप, क्या हम लोग पहुंच जाएंगे, और ये हम लोग पहुंच गए बिल्कुल परफेक्टली। चलो भाई साहब बिल्कुल सही चल रहे हैं, अब मेरे को बस इन घूमती हुई आगे से निकलना है, और इनमें से भी मैं निकल गया। एक सेकंड ब्रेक लगाओ, अच्छा हमें यहाँ से नीचे जाना है, सामने मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ना। और ये हम लोग चले इतनी सारी घूमती हुई रिंग्स के बीच में से निकल गया है तुम्हारा भाई, और ये लगाई हमने जंप, वो भाई ये क्या आ गया भाई, ये क्या जगह है, कितनी मस्त लग रही है, कुछ भी हो काफी तगड़ी लग रही है। और ये लगाई हमने एक और जंप, और मेरे सामने बहुत सारी बॉल्स, और बॉल्स के ऊपर से टपाक मारते हुए सेफ लैंडिंग भाई, बॉल्स के ऊपर से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आ गए, कोई बात नहीं चलो आगे चलते। अभी यहाँ क्या करना है, इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों हैं, लकड़ियों से दूर ही रहता हूँ, मेरे को लेना क्या लकड़ियों से, साइड में जब जगह दे रखी चलाने के लिए। ओए 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 भाई साहब ये लकड़ियाँ इतनी ज्यादा टाइट है, हिल भी नहीं रही है, मैं हिला भी नहीं पाऊंगा इनको, और भाई टायर वायर ना फट जाए बस बाइक का। अब यहाँ पर मेरे को 360 घुमानी अपनी बाइक को, घूम जा बसंती, घूम गई ओ चक्कर आ रहे। और ये भाई साहब एक और बार घुमाना है, प्लीज घूम जा, ये बिल्कुल परफेक्टली हमने घुमा दी, और ये सीधा रिंग में, नाइस। अबे भाई कितना बड़ा रैम चैलेंज और बच रहा है यार, अभी तो काफी बड़ा बच रहा है यार, कितना बड़ा रैम चैलेंज है सेमी। और ये आगे ठाके, ये आगे हम लोग, अब कहाँ जाना है मुझे, ओए सिट, ओए क्या मैं गलत आ गया, नीचे जाने का रास्ता है वहां से, एक सेकंड देखने दो मुझे, अब मेरे को कहां जाना है, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया हूं बहुत बुरी तरह। तो गाइस यार देखो जो नीचे फ्लोर था ना उससे हम लोग यहां पर डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो चुके हैं, और यहां पर अब मेरे को बाइक और अच्छे से चलानी है वरना दिक्कत हो जाएगी, आगे से उठा उठा के एक से बार बार स्लो हो रही है ज्यादा से ज्यादा। ओए बस 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 पहुंच गया, थोड़ा सा और, देख रहे हो दो तीन चक्कर और मारने और उसके बाद हमारा गेम खत्म। ओए एक काम करता हूँ मैं ऊपर से नीचे लेता हूँ जिससे हम लोग अच्छे से कर पाए। हाँ ये देखो भाई मैं गलती कर रहा था यहाँ ऊपर से, नहीं ऊपर ऊपर चल ऊपर ऊपर, वो बच गए भाई, सही टाइम पे तुम्हारे भाई ने बूस्ट लगा लिया, अभी तुम्हारा भाई डिस्क्वालीफाई हो जाता। चलो पीछे लो पीछे लो पीछे लो, इतनी बड़ी बड़ी टांगे कुछ तो यूज लेंगे ये, इतनी बड़ी बड़ी टांगों का। हाँ बस थोड़ा सा और, देखो वो फिनिश लाइन दिख रही है तुम लोगों को, हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी है, और ये यहाँ से इजी रहेगा शायद। अबे नहीं यार यहाँ से भी इजी नहीं होने वाला, ए रे वो 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 वो, नीचे नहीं जाना मेरे को, ये वापस ऊपर आओ, वापस वापस अंदर अंदर अंदर, चलो भाई वापस अंदर आ गए। ये वो ये आगे से उठी फिर चली, ये बूस्ट बूस्ट बूस्ट, और ये हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, वो ब्रेक आए, ये क्या पानी के अंदर तैर के जाना है क्या मेरे को, अब इतनी दूर ठहर के थोड़ी जाना होगा। अबे यहाँ पर कोई बोट नहीं है क्या, अबे ये रीना सामने भाई साहब पानी के अंदर छुप रही थी, अब बाहर निकल के आई, ओ इसमें तो आग लग रही है, जल्दी बैठो इससे पहले कि खराब हो जाए, अरे इसकी आग बुझानी पड़ेगी, रुको मैं बैठ के बुझा देता हूँ। ए बुझा बुझ गई, ये देखो भाई साहब सही वक्त पे बैठ गया, वरना इसमें आग लग जाती यार। ओके चलो भाई, ए ठुकना नहीं है बिल्कुल भी, घूमते हुए रिंग्स वापस आ गए, चलो बस थोड़ा सा और, ए ये लगाई हमने जंप बिल्कुल परफेक्टली, अरे 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 भाई 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 भाई, ओए एक सेकंड, ये पानी है या रोड है नीचे भाई साहब, देख रहे हो रोड भी है, मतलब यहाँ से मैं बाइक से भी जा सकता था, बस मेरे को थोड़ा वेट करना था जब तक पानी का लेवल सही नहीं हो जाता, उसके बाद हम लोग जा सकते थे। और ये देखो बस पहुंचने वाले हम लोग, अरे हट जाना यार घूमती हुई रिंग, अब यार ये घूमती हुई रिंग कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, चल 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 चलो चलो चलो, और बस ये हम लोग पहुंचने वाले हैं। अरे भाई यहाँ से जंप लेनी है, पानी खत्म हो गया घुमाओ, अरे पीछे लेनी पड़ेगी, अबे यार पानी तो नहीं है, रैम चैलेंज बना दिया, पानी का तो थोड़ा जुगाड़ करते, पानी कहाँ चला गया, अरे भाई आ गया आ गया आ गया, बस थोड़ा सा और, ये पहुंच गए, ए रोक रोक रोक, फाइनली गाइस यार इतनी मेहनत करने के बाद, इतना बड़ा रैम चैलेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पर मेरा प्राइज कहाँ पर है, लगता है इसको टच करके मेरा प्राइज आएगा। ओ ये देखो गाइस यार हमारे एचपी कॉइन आ चुके हैं यहाँ पर, अरे एक सेकंड ये फ्लोर नीचे क्यों हो गया, लगता है ये डूबने वाला है, इससे पहले ये डूब जाए मेरे को जल्दी से इनको टच करना चाहिए। ओके तो गाइस यार लेट्स अपग्रेड, तो गाइस ये देखो फाइनली हम हो चुके लेवल 1000 के, हमने इतने सारे एचपी कॉइन्स कलेक्ट किए और हमने अपने आप को अपग्रेड किया, अब बारी आती है उस वेनम की बैंड बजाने की। ओके तो गाइस यार देखो पूरा वेनम
नाम, अब तेरी बैंड बजने वाली है। तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं देख तेरा क्या बिगाड़ने वाला हूँ। ये ले। अरे ये क्या गाइस? यार ये देखो भाई सब, ये हमारी स्पाइडी पावर्स। देख रहे हो यार, हमने एक ही बार में वेनम के चीतरे चीतरे उड़ा दिए भाई। वेनम की तो पैंट बच गई, क्योंकि यार हमारा पावर वेनम से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। चल वेनम यहाँ से निकल। फाइनली गाइस यार हम लोग लेवल 1000 के स्पाइडरमैन के अंदर अपग्रेड हो चुके। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी छोटे को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले बैठ के चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी। We're just getting started.